पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसान बाढ़ और अगस्त के महीनों में हुई लगातार बारिश से परेशान है, लेकिन काला नमक धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। उन्हें इस बार काला नमक धान की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। इस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर रकबा पर काला नमक धान की खेती हुई है। GI टैग प्राप्त इस विश्व प्रसिद्ध धान की हरी भरी फसल को देखना किसानों के लिए किसी नज़ारे से कम नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश और इसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ ने न केवल सुगंधित काला नमक धान की बम्पर उपज के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया है, बल्कि किसानों के पैसे भी बचाए हैं। अगर लगातार बारिश नहीं होती है तो सिंचाई पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। पूर्वी यूपी के 11 जिलों में इस बार रिकॉर्ड 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में काला नमक धान की खेती हुई है। पिछले साल के मुकाबले रकबा में 1,000 हेक्टेयर की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हेरिटेज फाउंडेशन ट्रस्टी ने कहा, काला नमक धान खेती करने वाले क्षेत्र में बड़ी वृद्धि का श्रेय ODOP सहित राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को दिया जा सकता है। इसके तहत किसानों को इस किस्म का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हेरिटेज फाउंडेशन ट्रस्टी ने कहा कि बाढ़ के बावजूद इस साल किसान बम्पर फसल की उम्मीद कर रहे हैं। लगातार बारिश और बाढ़ ने अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की है और फसल में उत्पादन की ऐसे वृद्धि की संभावना है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। जून जुलाई में बोई गई फसल अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। हेरिटेज फाउंडेशन ट्रस्टी ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में 10,000, गोरखपुर में 9,000, महाराजगंज में 8,000, बस्ती बहराचाई और देवलिया में 3,000 और श्रावस्ती जिले में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र की खेती गई। अपने 5 एकड़ खेती में लगी अच्छी फसल से उत्साहित सिद्धार्थनगर के प्रगतिशील किसान ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में मैंने इतनी अच्छी फसल नहीं देखी, वहीं सिंचाई पर खर्च भी एक पैसा का खर्च नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।